नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 10 जनवरी 2022 तक का अपडेट किया हुआ है। और ये आपका ईयरली मैगजीन है, आपका एक साल का ये मैगजीन है पूरा। वार्षिकांक जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2022 तक का इसमें आपका करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो आज का जो हम इसमें सबसे पहले हम लोग जो हैं इस किताब के लास्ट पेज में जो भी आपके सेट्स दिए हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग लगा रहे हैं। तो हम लोग जो है इसमें आपका सेट को है आज जो लगाएंगे वो है आपका सेट नंबर 22। इससे पहले हम लोग ने सेट नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जाके आप लोग मेरे चैनल पर सेट नंबर 1 से लेके 21 तक सीरियल वाइज दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा छोटा वीडियो है, आपको पढ़ने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 22 का, पहला, चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश ने भारत को लौटाया है। चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश ने भारत को लौटाया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। 10 लाख का बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। 10 लाख का बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी अल सलवाडोर, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.529 को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए कप्पा, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी ओमिक्रॉन, ऑप्शन डी सार्को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओमिक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पंकज मित्तल, ऑप्शन बी उमेश सिन्हा, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अमित केसरवानी। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित केसरवानी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किस देश ने किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किस देश ने किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो 7 का राइट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया की पहली पेपरलेस 100% सरकार बन गई है। दुनिया की पहली पेपरलेस 100% सरकार बन गई है। ऑप्शन ए ओमान सरकार, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी दुबई सरकार, ऑप्शन डी इजराइल सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष में शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है। ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी द चैलेंज, ऑप्शन सी द कॉस्मोस, ऑप्शन डी द यूनिवर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट
2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 56। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 का डी 56। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी काठमांडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारदा मेनन का निधन हो गया, वे क्या थी? ऑप्शन ए कैंसर विशेषज्ञ, ऑप्शन बी दंत चिकित्सक, ऑप्शन सी हृदय विशेषज्ञ, ऑप्शन डी मनोचिकित्सक। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोचिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 9.3%, ऑप्शन सी 9.7%, ऑप्शन डी 10%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9.3%। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का नाम क्या है? यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का नाम क्या है? ऑप्शन ए अरोका, ऑप्शन बी सार्को, ऑप्शन सी फर्मिना, ऑप्शन डी टनल वाशिंगटन। तो इसका नाम है ऑप्शन सी फर्मिना, ठीक है फर्मिना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, करुणा निधि ए लाइफ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? करुणा निधि ए लाइफ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस पनीरसेल्वम, ऑप्शन बी हरिकृष्ण मेहताब, ऑप्शन सी समीर सोनी, ऑप्शन डी आंद्रे डी ग्रासी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एस पनीरसेल्वम। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान चलाया गया? किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान चलाया गया? ऑप्शन ए IDFC बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस बैंक द्वारा वो बंद रखो अभियान चलाया गया? ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी मनोज वाजपेयी, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए पैरा शूटिंग, ऑप्शन बी पैरा बैडमिंटन, ऑप्शन सी डिस्कस थ्रो, ऑप्शन डी हाई जंप। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पैरा बैडमिंटन। सॉरी, मैं इसमें बार बार गलत करता, ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें जो होगा 18 का हाई जंप, ठीक है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक
विजेता शरद कुमार का संबंध जो है हाई जंप से है। ऑप्शन डी हाई जंप राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लेने वाली टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। पैरा कैनोइंग में नौकायान में भाग लेने वाली टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन ए पलक कोहली, ऑप्शन बी प्राची यादव, ऑप्शन सी भाविना पेन पटेल, ऑप्शन डी मार्था क्रूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाविना बेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 है और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, तो AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए रूस के साथ, ऑप्शन ए रूस के साथ। इस प्रकार हमने कंप्लीट किया सेट नंबर 22। नेक्स्ट हम सेट नंबर 23 पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, नहीं अच्छा लगता है तो कृपया जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।